हेलो गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज हिम्मत महाजन। आई होप दैट यू आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। सो दोस्तों, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सुपर 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 इम्पोर्टेंट फॉर इंटर एज वेल एज फाइनल स्टूडेंट्स। दोस्तों, इतने सारे अमेंडमेंट्स आए हैं ये बजट में, और तुम लोगों को मालूम होगा कि रिसेंटली जो बजट अनाउंस हुआ था ऑन 23rd of July, उसमें काफी सारे चेंजेस आए, और कैपिटल गेन में स्पेसिफिकली बहुत बड़ा चेंज आया, दैट इज इन केस ऑफ इंडेक्सेशन। नाउ इंडेक्सेशन का जो पहले बेनिफिट मिलता था, उन्होंने वो बेनिफिट छीन लिया, और जैसे उन्होंने ये बजट अनाउंस किया, उसके बाद पूरे देश में बवाल मच गया कि भाई आप इंडेक्सेशन कैसे निकाल सकते हो, इंडेक्सेशन के कितने सारे बेनिफिट्स थे और आपने एक दिन में वो इंडेक्सेशन का बेनिफिट ही निकाल दिया। तो ये सब कुछ ना हम लोग इस ये वीडियो में बात करने वाले। एंड रिसेंटली इट इज प्रपोज्ड दैट, मतलब इतना सारा हल्ला होने के बाद इट इज प्रपोज्ड दैट इंडेक्सेशन शुड बी रिस्टोर्ड। तो ये सब कुछ हम लोग बहुत डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो प्लीज ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, और प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सो दैट यू विल बी अपडेटेड विद द थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग अराउंड यू इन टैक्सेशन, राइट? सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट अ सब्सक्राइब बटन। अगर लाइक नहीं किया होगा तो एक छोटा सा लाइक तेरे भाई के लिए कर देना, बहुत मुझे हेल्प हो जाएगी। ओके, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। देखो, फाइनेंस बिल जो अभी अनाउंस हुआ था, वो फाइनेंस बिल में उन्होंने बोला था कि इंडेक्सेशन जो है वो रिमूव हो जाएगा। नाउ देयर विल नॉट बी एनी बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। नाउ द पॉइंट इज कि अपने से बेनिफिट छीना, पर गवर्नमेंट ने बोला कि यार टेंशन मत लेना, तुम लोग को इंडेक्सेशन तो नहीं मिलेगा, बट उसके बदले में हम लोग क्या करेंगे, ये जो 20% का टैक्स रेट पहले लगता था, वी विल कैंसिल दैट 20% का टैक्स रेट एंड वी विल गिव यू बेनिफिशियल टैक्स रेट ऑफ 12.5%। मतलब एक जगह इंडेक्सेशन का बेनिफिट गया, पर दूसरे जगह मुझे कौन सा बेनिफिट मिला, दैट इज रिडक्शन इन द टैक्स रेट। Do you think this was actually beneficial for me? Let's take an example and understand कि ये इसका impact कितना बड़ा हो सकता था। देखो, एक example से बात करते हैं। Property purchase किया in financial year 01-02 में, and this is for 1 crore rupees, ठीक है? वही property मैंने financial year 23-24 में sell कर दिया for 5 crore rupees। Now 2023 बजट के पहले, मतलब अभी तक कैसे चल रहा था अपना कंप्यूटेशन कैपिटल गेन का, तो ऐसे चल रहा था। देखो, मैंने 5 करोड़ में बेचा, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज गोइंग टू बी 5 crores। उसके बाद जो माइनस करूंगा कॉस्ट, ऑफ कोर्स आई विल नॉट रिड्यूस 1 crore rupees, बिकॉज 1 crore rupees तो आई हैव स्पेंट इन 2001-02। तो इस कैन आई से दैट इन्फ्लेशन के हिसाब से दिस कॉस्ट मस्ट हैव गॉन अप, राइट? तो इसके वजह से मैं इंडेक्सेशन इस पे अप्लाई करूंगा, और इंडेक्सेशन का उन्होंने मैकेनिज्म दिया है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यूज करके। उन्होंने एवरी ईयर का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया है, और वो इंडेक्सेशन अप्लाई करके, इंडेक्सेशन का मैकेनिज्म अप्लाई करके, आई विल गेट द इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एज 3 crore 63 lakhs। नाउ इसके वजह से मेरा कॉस्ट इज नॉट 1 crore, माई कॉस्ट बिकेम 3 crore 63 lakhs, एंड दैट इज वाई माई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन came as 1 crore 37 lakh rupees। और इस पे पहले कितना टैक्स लगता था, 20% टैक्स लगता था, which means I used to pay 27 lakhs 40,000 rupees as a tax on such property। अगर ऐसा scenario होता, मतलब अगर कुछ भी change नहीं आता, I would have computed my capital gain computation like this। बट उन्होंने क्या प्रपोज किया है, मैंने बोला इंडेक्सेशन रिमूव किया जाएगा एंड कंसेशनल रेट दिया जाएगा। लेट्स हैव अ लुक एट इट। अगर हम लोग ने ऐसे कंप्यूट किया विदाउट इंडेक्सेशन, मुझे टैक्स बेनिफिट मिलता है क्या? देखो, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो मैं बेचा हूं, वो प्रॉपर्टी मैंने बेचा है, दैट इज फॉर 5 crores। उसके बाद इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, सो ऑफ कोर्स आई विल रिड्यूस एंटायर 1 crore rupees एज माय कॉस्ट, आई विल कंसिडर, एंड आई विल गेट द कैपिटल गेन्स एज 4 crores, राइट? इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलने के वजह से देखो कितना फर्क आ रहा है अपने कैपिटल गेन के फिगर में। इंडेक्सेशन जब मिलता था तभी 1 crore 37 था, इंडेक्सेशन नहीं मिलता है तभी सीधा क्या बन गया, 4 crores। ना उन्होंने बोला, अरे भाई टेंशन मत लेना, हम लोग कंसेशनल रेट दे देंगे ना 12.5 का, चलो अप्लाई करते हैं, यू विल गेट द फिगर एज 50 lakhs। अरे भाई समझो बात को, जब इंडेक्सेशन मिलता था ना, जब टैक्स रेट हाई था ना, तभी मुझे 27 lakhs 40,000 का टैक्स देना पड़ता था। बट जब इंडेक्सेशन नहीं है ना, और इवन दो द टैक्स रेट इज लोअर, स्टिल आई एम रिक्वायर्ड टू पे 50 lakhs ऑफ टैक्स। एंड दैट्स व्हाई यू विल से दैट इंडेक्सेशन शुड नॉट बी रिमूव्ड।
पार्शली इफ यू आस्क मी सर, ये तो क्लियर कट एग्जाम्पल है कि इंडेक्सेशन नहीं निकालना चाहिए, बट दोस्तों ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया पे जो भी चल रहा है, ये बहुत सारी चीज मैंने चीजों देखा है, देखिए, जिसमें बहुत सारा आधा इन्फॉर्मेशन दिया है। आई वॉन्ट टू टेल यू द फुल इन्फॉर्मेशन। देखो, इन ऑल द केसेस इंडेक्सेशन जो निकाला है वो लॉस मेकिंग नहीं है, मतलब देर आर केसेस जिसमें इंडेक्सेशन निकालने के बाद लोगों को फायदा हुआ है टैक्स रेट रिड्यूस करके। सो वो केसेस जो है वो कौन से केसेस है, जो रिसेंटली परचेस्ड प्रॉपर्टीज होते हैं, जो रिसेंटली परचेस्ड प्रॉपर्टीज होते हैं उनपे डेफिनेटली अगर तुम लोग ने कंप्यूट करके देखा ना, तुम लोगों को समझेगा कि नहीं, इसमें इंडेक्सेशन नहीं, ये नॉर्मल अगर ऐसे भी हम लोग ने किया ना तो भी हम लोगों को बेनिफिट हो जाएगा। नाउ आई एम मेकिंग अ स्पेसिफिक चार्ट, लाइक आई एम मेकिंग एन एक्सेल शीट, और एक्सेल शीट में आई एम पुटिंग 0102 से परचेस किया हुआ और 0022-23 तक पूरा का पूरा डेटा, आई एम गोइंग टू फिल इट, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट, डोंट वरी अबाउट इट। बट लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। माय पॉइंट इज कि इन दिस एग्जांपल डेफिनेटली इंडेक्सेशन जो निकाला था उसका मुझे बेनिफिट नहीं हुआ। आई एम पेइंग हायर अमाउंट ऑफ टैक्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली 22,60,000 रुपीज। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, तो इसमें बहुत हल्ला हुआ, बहुत इंटरनेट, मतलब इतने सारे वीडियो शेयर हुए, इतने सारे चीजों में लोगों ने अप्रोच किया गवर्नमेंट को और बताया कि प्लीज ये इंडेक्सेशन रिस्टोर करो। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है इन द फाइनेंस एक्ट कि प्लीज टू रिस्टोर द इंडेक्सेशन रिस्टोर करो। बट देखो, मैंने तुम लोगों को जस्ट पहले बोला कि इंडेक्सेशन जो है, इंडेक्सेशन का कोई लोगों को फायदा हुआ है, कोई लोगों को फायदा नहीं हुआ है। इसके वजह से गवर्नमेंट ने सोचा है, काम करते हैं, लेट्स नॉट टेक अ कॉल एंड लेट्स नॉट गिव ओनली वन आंसर, लेट्स गिव टू ऑप्शंस टू द टैक्स पेयर्स। जिनको लगता है कि इंडेक्सेशन तेरे लिए बेनिफिशियल है विथ हायर रेट ऑफ टैक्स, देन इन दैट केस यू कैन ऑप्ट फॉर दैट। You can opt for that and you can pay 20% tax with indexation. But अगर आपको लगता है कि indexation का फायदा नहीं है, then in that case they have kept the rate as जो amended rate, that is 12.5%. पर इसमें तुझे दोस्तों indexation नहीं मिलेगा। Now मेरे हिसाब से this is the best point. Option दिया ना, इसके वजह से government is playing safe now. तुम लोगों को जो चाहिए, तुम लोगों के हिसाब से जो भी beneficial है ना, वो beneficial करो. Because government ने जब भी इसमें amendment लाया था, amendment के पीछे reasoning क्या बताया कि तुम लोगों को benefit होना चाहिए। अगर इसमें benefit लोगों का ही अगर सोचा है government ने, then in that case this is the best option. कि दो ऑप्शन दे दो, जो बेनिफिशियल है वो कर देते हैं। तो उन्होंने वही प्रपोज किया है एंड मेरे हिसाब से दिस विल बी द बेस्ट अमेंडमेंट जो फाइनेंस बिल के बाद अमेंड होके तुम लोगों के सामने उन्होंने प्रेजेंट किया है। बट ये जो दो ऑप्शंस दिए हैं उसके पीछे थोड़े से कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस एक बार देखते हैं। नेचर क्या होना चाहिए ये दो कंडीशन, दो ऑप्शंस मिलने के लिए? नंबर वन, वो जो कैपिटल असेट है जो बेचा है, वो बेच के क्या होना चाहिए? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होने चाहिए। बेसिकली इट शुड बी अ लॉन्ग टर्म असेट। बट कौन सा लॉन्ग टर्म असेट होना चाहिए? इट कैन बी लैंड, बिल्डिंग और बोथ। इट इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली टू लैंड, बिल्डिंग एंड बोथ। दोस्तों मतलब अगर प्रॉपर्टी होगा, हाउस प्रॉपर्टी, ये सब चीजें इसमें आ जाएंगे। बस सबके लिए नहीं, सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग एंड बोथ के लिए एप्लीकेबल हो गया है। और ऐसे लैंड एंड बिल्डिंग जो अक्वायर हुए हैं ऑन और बिफोर 23rd of July 2024, ऑन और बिफोर 23rd of July जो अक्वायर हुए हैं, उनके लिए सिर्फ ये दो ऑप्शंस है, बाकी लोगों के लिए ऑप्शंस नहीं है। और ये जो एप्लीकेबल है, जो ऑप्शन दिया है, दीज टू ऑप्शंस आर एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल्स एंड HUF। तो ये मेरे हिसाब से इट इज अ वेरी गुड चेंज इन द बजट विच एक्चुअली, वैसे देखा तो फाइनेंस बिल तो अभी अनाउंस हुआ था ना। और एक चीज तुम लोगों को बताना चाहता हूं कि सर यूल से कि सर अभी तो फाइनेंस बिल आया था, चेंजेस कैसे हो गए? देखो दोस्तों, ये फाइनेंस बिल था, बिल और एक्ट में काफी सारे चेंजेस आ सकते हैं। तो बिल और एक्ट में जो चेंजेस है ना, एंड दिस इज वन ऑफ द चेंज, एंड बहुत कम ऐसा होता है कि बिल और एक्ट में काफी चेंजेस आते हैं, बट यू कैन से दैट इट इज अ हिस्ट्री दैट यू नो कि ये इतना बड़ा चेंज बिल और एक्ट में हो चुका है, एंड इट इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस। और ये जो चेंज है, मेरे हिसाब से इट वॉज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट दीज थिंग्स टू यू गाइज, बिकॉज आई रियली वॉन्ट यू टू बी अपडेटेड विद ऑल the things which are happening around us, because if you are doing any professional course, CA कर रहे हो, CS कर रहे हो, CMA कर रहे हो, मतलब अगर तुम लोग किधर भी tax पढ़ रहे हो ना, people will have some kind of expectations from you कि तुम लोगों को कुछ मालूम होगा। And if you are my student or you know कि you are watching my YouTube videos, whatever, it becomes my responsibility to make you aware about these things, so that
if any conversation starts somewhere, you will be able to contribute in that conversation. And of course, तुम लोगों के exam में भी वो चीज आने वाला है. But एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर कोई भी student देख रहा है, मतलब ये generic video बनाया था मैंने, अगर कोई student देख रहा है CA, CS, CMA, ये September exam, नवंबर एग्जाम, दिसंबर एग्जाम, जैन एग्जाम, ये इसके लिए ये पूरा का पूरा बजट कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है. दिस एंटायर बजट इज एप्लीकेबल फॉर मे जून 2025 ऑनवर्ड्स. Right, I hope that this entire video was super helpful for you. If yes, please let me know your thoughts in the comment section. Mujhe bahut acha lagega aapke comments dekhke. Agar aapko kuch bhi aur discuss karna hoga, what is your take on this proposed amendment, please let me know in the comment section. I will be really very happy to see your insights as well on the budget. This is Yamit Bajan. I will see you in the next video. Till then, bye bye, see you and take care. Bye bye.